कोई बात नहीं फ्रेंड्स, इसमें इमरान नाम लिखा हुआ है, मेरी वाइफ का नाम रिजवाना है। इमरान एक्चुअल में मुझे घर में प्यार से बोलते हैं, मेरा नाम तो जहीर अब्बास है, तो इसमें ये लगा हुआ है। आप सोचें शायद किसी और का दिखा रहा है। इनकी भी फेस दिखा देना, देखिए ये दोनों बच्चे सानिया जोया अनबॉक्सिंग कर रही हैं। और ये देखिए जोया हाय बोलना जरा, जोया को देखो आप, ये जोया का चैनल है फन एक्टिविटी, मैंने आपको बोला था सब्सक्राइब करने के लिए, तो प्लीज़ जोया का चैनल भी सब्सक्राइब कर देना ज़रूर आप लोग। जोया बहुत अच्छी एक्टिविटी की वीडियोज़ बनाती है बच्चों के लिए। ये है इसके अंदर, ओह माय गॉड, एक ये है, ये हमारी मैरिज एनिवर्सरी का गिफ्ट है, तो मैंने सोचा शायद आपके साथ शेयर कर लूं। ब्यूटीफुल। तो जोया कैसा लगा आपको? जोया कैसा लगा आपको? बढ़िया। देखो जोया ने तो अपने स्टार्ट भी कर दिया। और एक ये लिफाफा है, इसके अंदर कुछ पैसे हैं, तो आप आगे की पार्टी का एंजॉयमेंट लीजिए मेरे साथ में। कभी तो मिलेंगे, और जब मिलेंगे तो साथ में एंजॉयमेंट करेंगे किसी पार्टी का। बाकी आप फिलहाल इस पार्टी का एंजॉयमेंट करिए, मिलता हूँ आगे। किस्मत बदलती नहीं है, बदली जाती है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। मैं जहीर अब्बास अपने यूट्यूब चैनल पैरालाइज मोटिवेटर जेड पर आपका एक बार फिर वेलकम करता हूं। और आज जैसा कि मैं एक छोटा सा सेलिब्रेशन आपके साथ शेयर करने वाला था, तो आज एक्चुअल में मेरी हैप्पी एनिवर्सरी है, और आज मेरी शादी को मैरिज एनिवर्सरी है, और आज मेरी शादी को 18 साल हो गए। तो ये सफ़र कैसे मेरा गुजरा, किस तरह गुजरा, मुझे नहीं पता, और किसे पता है, बाकी वक्त को पता है कैसे गुजरा कैसे नहीं गुजरा। तो मैंने सोचा शायद ये चीज़ आपके साथ भी शेयर कर लूं, क्योंकि छोटी छोटी खुशियों से ही ज़िंदगी जीने का मज़ा आता है, और इसीलिए मैं इस टाइप की कुछ वीडियोस अपने ब्लॉग पे डालता रहता हूँ। ज़रूरी नहीं है कोई एक्टिविटी की ही डालूँ, पर कुछ इस टाइप की भी डालता रहता हूँ। और जल्दी ही मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके आने वाला हूँ एक्टिविटी वाली, तो फिलहाल तो आप मजा लीजिए आज मेरे सेलिब्रेशन का, एनिवर्सरी का। तो देखिए दिखाता हूँ आगे, और देखिए टाइमिंग हो रखा है 10 बज रहे हैं, और अब हम वीडियो बनाने में लगे हैं। सोनू की तरफ दिखा रहा, और ये सानिया है, और ये अर्श है। अर्श हाय बोलो, हाय बोलो, पहले हाय बोलो। और जोया को देखो, जोया भी अपना डिस्टर्ब है। तो पापा पापा कट करेंगे, तो मैंने सोचा ये छोटा सा सेलिब्रेशन आपके साथ भी शेयर कर लूं, क्योंकि देखिए डिस्टर्ब तो सभी की जिंदगी है, डिस्टर्ब तो सभी की लाइफ है, पर हम लोग खुशियां किस तरह ढूंढ सकते हैं वो हम लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। देखो अर्श ने कैंडल बुझा दिया। अभी रुको। आप पूछते हैं ना ये छोटा बच्चा कौन है? ये एक्चुअल में मेरे छोटे वाला भाई है, सबसे छोटा भाई जो है उसका बेटा है, तो ये ज्यादातर मेरे पास ही रहता है। चलो, ओए वेरी गुड,
क्लैपिंग करो अब करो ये चलो कट करो जल्दी से कट करो। मिठू भी कह रहा है कि मेरे को भी क्लैपिंग करनी है। देखिए अपना तो कुछ नहीं होता, बच्चों की वजह से सब कुछ करना पड़ता है, उसी चीज से हमें भी खुशी मिलती है और शायद आप भी ये वीडियो देखेंगे तो आपको भी खुशी मिलेगी। ये कर दिया ये बाबू हम तो ये था छोटा सा एक सेलिब्रेशन और अभी मेरे को कुछ गिफ्ट्स आए हैं, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ अनबॉक्सिंग करके। गिफ्ट जो आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और वीडियो को शेयर कर दिया करें। उसका रीज़न सिर्फ यही है कि मैं मोटिवेशनल वीडियोस बनाता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि मोटिवेट आप लोग मेरी एक्टिविटी से ही होंगे या मेरी एक्सरसाइज से ही होंगे। मैं कहीं बाहर घूमने जाता हूँ उसकी भी वीडियो बनाता हूँ या कुछ भी एक्टिविटी में करता हूँ उसकी वीडियो बनाता हूँ। उसका रीज़न सिर्फ यही है कि आप लोग मेरे को देख के मोटिवेट होते हैं अगर, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और बहुत सारे मेरे YouTube फैमिली मेंबर हैं जो कि दो दो तीन तीन साल से घर से नहीं निकले हैं, पांच पांच साल से। तो मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ मेन थीम और रीज़न यही होता है कि मैं आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ें लेके आऊं जिससे कि आप मेरे को देख के मोटिवेट हों और अपने बिस्तर को छोड़ें और बिस्तर से उठें। देखिए परेशानी सबके साथ है, जो जिंदा है परेशानी उसके साथ रहेंगी और इन परेशानियों से जूझकर ही हमें आगे निकलना है। ऐसा नहीं है कि जो चलता फिरता आदमी है उसके साथ टेंशन परेशानियां नहीं है, उसके साथ भी हैं। अच्छा एक ये रिस्ट वॉच मिली है, देखिए समय बताने के लिए हमें एक वॉच मिली है। जिसको अपना समय नहीं पता उसको समय बताने के लिए वॉच मिली है। और एक ये प्यारा सा नेकलेस, एक ये प्यारा सा नेकलेस मिला है। ये मेरे को गिफ्ट आए हैं तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूं। आप भी छोटी छोटी चीज़ों में खुशियां ढूंढें और अपने आप को ऐसा कुछ अरेंजमेंट करें, चाहे मेरी वीडियो देख के करें चाहे किसी भी वीडियो को देख के करें आप, जिससे आप मोटिवेट होते हैं। तो ये बैंक ये चूड़ियां हैं, तो जो भी वीडियो आपको अच्छी लगती है उससे कुछ आपको सीखने के लिए अगर मिलता है तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच फॉर द फ्रेंड्स, सभी दोस्तों को और जिसने मेरे को ये गिफ्ट भेजे हैं, मैं उनके नाम तो नहीं बताऊंगा बट उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरी तरफ से, उन्होंने मेरे को इस टाइप के गिफ्ट दिए मेरी तरफ से भी और इनकी तरफ से भी। और देखिए आज मिठू की तरफ से भी, मिठू भी कह रहा मेरी तरफ से भी। जब मैं रूम में अकेला होता हूँ तो मेरा इस मिठू से ही मन लगता है, दो दो तीन तीन घंटे तक मैं इससे बातें करता रहता हूँ, मेरा मन लगा रहता है। क्योंकि आप समझ सकते हैं इंसान इंसान से बात करने के लिए तैयार नहीं है, बट जानवर और पक्षी इंसान से बात करने के लिए तैयार है, वो उनकी भाषा सीखने लगे हैं, पर इंसान इंसान की भाषा नहीं सीख पाया। और देखिए ये मेरा रूम है और आप दिन में देखते हैं मेरे को वीडियो बनाते हुए तो ये जो बेड है मेरा ये सोफ़ा बन जाता है और रात को हम लोग इसी रूम में चारों सोते हैं तो ये हमारा बेड बन जाता है और दिन में सोफ़ा बन जाता है, ठीक है ना। इसी रूम में हमारी लाइफ चल रही है और इसी रूम में हम अपनी लाइफ
कैसे एंजॉय कर रहे हैं, यही छोटी छोटी क्लिप दिखा के मैं आपको बताता रहता हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी तो कमेंट्स करके बताइएगा, एक छोटा सा कमेंट्स कर दिया करें जिससे मेरे को पता चल जाता है कि लोग मेरे से इंस्पायर हो रहे हैं, मोटिवेट हो रहे हैं, तो मुझे भी अच्छा लगता है। और लाइक कर दिया करें, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दिया करें। बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जो बिना सब्सक्राइब करे वीडियो देखते हैं, तो सब्सक्राइब भी कर दिया करें जिससे कि मेरी वीडियो आगे तक लोगों तक पहुंच जाए। और नई वीडियो के साथ में इतना बोलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे यहाँ पे ऐसे इधर देखे, हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग, ठीक है। आपने क्या खाया, केक खाया? जल्दी ही मैं आपको एक वीडियो के साथ और मिलूंगा और मैं दिखाऊंगा आपको एक नई एक्टिविटी, और वो मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रखे हैं, उसके कॉल आ रखे हैं, मैसेज आ रखे हैं, तो वो एक्सपीरियंस भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा जल्दी, 2-3 दिन के अंदर अंदर। और ये मेरे रूम का बाहर का पोर्शन भी दिखा देता हूँ, मैंने शायद नहीं दिखाया, ये मेरे रूम का बाहर का पोर्शन है। मैं एक टेम्परेचर मेंटेन में रहता हूँ, ऐसा नहीं कि मेरे रूम में अंदर कहीं से हवा आएगी या कुछ। एक इसका रीज़न ये भी है कि जल्दी जल्दी इम्यून सिस्टम वीक होने की वजह से तबीयत ख़राब हो जाती है, कोल्ड हो जाता है या गर्मियाँ लगती हैं, ऐसा कुछ नहीं है, उसके लिए भी मैं एक टेम्परेचर मेंटेन में रहता हूँ। तो आप भी इस तरह से रहिए और अपने आप को खुश रखिए, अपने परिवार के साथ खुश रहिए, जो भी आपका केयर एंड टेकर है उसके साथ खुश रहिए। तो ओके बाय। चूड़िया पहनना है। बाय। मम्मा की है ये? और आप छोटे बच्चों के लिए ना, अपने छोटे बच्चों के लिए घर में अगर कोई एक्टिविटी की वीडियो देखना चाहते हैं तो जोया का चैनल देख लिया करें, फन एक्टिविटीज जोया, मेरे चैनल के नीचे ही आता रहता है फन एक्टिविटीज जोया के नाम से। तो जोया उसके ऊपर अभी तो पढ़ाई का थोड़ा बर्डन ज्यादा है इसलिए कोई वीडियो बना नहीं पा रही है जल्दी जल्दी, तो आप देखिएगा, ठीक है। ओके बाय, मिलता हूँ जल्दी एक नई एक्टिविटी के साथ में। बाय बाय।